जय तुली भाइयों, आई माँ शक्ति। आज स्वाध्याय हम चिंतन का क्रमांक हमारा 295 और आज हमारे बीच में आदरणीय एन के नैफ साहब जो कानपुर से हैं, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स। और आपको जो विषय है वो है संतुलित जीवन कैसे जिए हैं। इससे पूर्व भी आप 10 पार्ट ले चुके हैं, आज आपका 11वां पार्ट है। अब हम आदरणीय बागेश शर्मा जी जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है उनसे निवेदन करते हैं कि दो शब्द आदरणीय नैफ साहब के समक्ष कहें। आदरणीय बागेश जी, सभी प्रबुद्धजनों को मेरा प्रणाम। अरविंद जी मेरे लिए बड़ी दुविधा की स्थिति कर देते हैं जब कहते हैं कि नैब साहब के बारे में दो शब्द कहें। चलिए, खैर, नैब साहब का जो विषय है संतुलित जीवन कैसे जिए, वास्तव में ये नैब साहब ने जो अपना जीवन जिया है उसमें उन्होंने जिस तरह से सामंजस्य और संतुलन रखा होगा उसी को वो परिभाषित कर देते हैं, हम लोगों को बताते हैं। और आज आप देखिए, 10वीं कड़ी संपन्न हो चुकी थी पिछली बार, आज 11वां अंक लेकर नैब साहब हमारे बीच में है। और देखिए, एक पहला अंक आया था, उसके बाद आज एक और एक 11 पे आ गए हैं हम। और वास्तव में नैसर्गिक ढंग से या जितना बिल्कुल इनफॉर्मल वे में नैब साहब बताते हैं वो संभवतया सभी के लिए बहुत सुग्राही है और ग्रहण करने योग्य होता है। नैब साहब की अपनी एक शख्सियत है। नैब साहब जिस विभाग से रिटायर हुए हैं वहां प्रशासनिक कार्य में भी शानदार जीवन जिया, और अब जिस तरह से रिटायरमेंट के बाद अपना व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं, वास्तव में ये नैब साहब इस तरह के पहले ये इन्होंने संभवतया संतुलित जीवन के बिचारे में जो कुछ बताते हैं इन्होंने सबको पहले एनालाइज किया है, अप्लाई किया है, उसके बाद फिर ये इसको एंडोर्स कर रहे हैं। मैं अधिक ना बोलते हुए श्रद्धे एन के नैब साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आज का उद्बोधन आरंभ करें। श्रद्धे एन के नैब साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वागीश जी, और मुझको श्रद्धे कहने के लिए, आपकी श्रद्धा के लिए मैं पूर्णतः अभिभूत हूँ। और आई जस्ट रेसिप्रोकेट कि आप सभी लोग इस जूम मीटिंग में जितने लोग उपस्थित हैं सभी आदरणीय हैं और सभी को मैं मन से प्रणाम करता हूं। आज का उद्बोधन शुरू करने से पहले माँ गायत्री का मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां अम्बे, मेरी वाणी में शक्ति देना। माँ की जब तक शक्ति ना हो तो हर चीज मुश्किल होती है। इस विश्व में सृजन की शक्ति माँ को ही दी गई है, सृजन करता इस शक्ति इस पूरी यूनिवर्स को बनाने का। हम लोग तो मानव मात्र हैं, प्राणी मात्र हैं, सृजन शक्ति माँ के ही हुई है, पृथ्वी माँ है हमारी, तो उनको तो सबसे पहले प्रणाम। और उनकी शक्ति के बिना ना आपकी वाणी चल सकती है और ना ही आपकी किसी तरह का कोई कार्यकलाप हो सकता है। आज शुरुआत करते बड़े एक सीधी सी बात से, गीता सार में क्या कहा गया है। गीता सार में देखिए, हम लोग जो नॉर्मल पढ़ते हैं कई बार गीता सार के 8-10-15 बिंदुओं को छपवा के आपने देखा होगा, दुकानों पे भी लगा होता है और लोग बांटते भी हैं, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया, जो खो गया उसके लिए क्यों दुख करते हो, ना कल किसी और का था, आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, उसके लिए क्यों पश्चाताप करते हो, क्यों दुख करते हो। तो ये जीवन उसी तरह से गतिमान चलता है, ये प्रवाह है, ये पूरा यूनिवर्स एक प्रवाह है, प्रवाहमय है, अपने प्रवाह में बहता चला जा रहा है। और जिसने इस प्रवाह को समझ लिया, जिसने इस प्रवाह को ग्रहण कर लिया, जिसने इस प्रवाह को स्वीकार कर लिया, वही जीवन को जी सकता है, वही उसी का जीवन संतुलित कहना चाहिए कि उसका जीवन पूर्णतः संतुलित, जिसने इस बहाव को स्वीकार कर लिया है। परेशानी तब आती है कि जब हम इस बहाव के विपरीत जाने की कोशिश करते हैं, हम प्रकृति के विपरीत जाने की कोशिश करते हैं, जो निरंतर घट रहा है उसके विपरीत जाने की कोशिश करते हैं। हम पैदा हुए 2-2.5-3-4-4.5-5 किलो के पैदा हुए, उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ हुई, एडोलिसेंट एज हुई, बड़े हुए, जवान हुए,
बहुत खुश हुए, बलिष्ठ हुए, जिम में जाना शुरू कर दिया, ताकत इन बाहों में उन बाहों में, ये सिक्स एप्स ये एप्स वो सब करते हुए चौड़े चौड़े होकर चलने लगे कि जैसे पृथ्वी हमारे बोझ से हम एक कदम मारेंगे तो फट जाएगी, उस तरह। फिर वो धीरे धीरे समय आता कि जब जवानी हाथ से खिसकने लगती, बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं और ये बहाव आगे की ओर ले जाता है, तब समझ में आता है कि अपने हाथ में तो कुछ था ही नहीं और अपने हाथ में कुछ है ही नहीं, जो पहले था वो भी किसी का दिया हुआ था और आज जो है वो भी कोई हमको दे रहा है और आने वाला समय भी वही दे रहा है। फिर बुढ़ापा आता है, डरते हैं हम उस प्रवाह से वापस जाने की कोशिश करते हैं, जवान बने रहने की कोशिश करते हैं। 10 तरह के ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट, कलर करना, जो भी हो सके अपने स्किन को टाइट करना, मतलब उस प्रवाह के जब हम विरुद्ध जाना शुरू करते हैं वही हमारे अवसाद का कारण होता है, क्योंकि हम उस प्रवाह को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, हम उसके विरुद्ध जाना चाह रहे हैं। इस प्रवाह को स्वीकार करिए। और जब बूढ़े हो जाते हैं, स्किन लटक जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, तो फिर मरने की इच्छा नहीं होती, जबकि वो भी अपरिहार्य है, क्योंकि हम आए हैं तो जाना तो है ही, हम तो वापसी का टिकट लेके आए हैं। समय का किसी को पता नहीं, क्योंकि वही खासियत है जीवन की कि अगर किसी को समय का पता चल जाए तो शायद वो जीवन ही छोड़ दे जीना। तो उस समय के ना पता होने की वजह से ही हम निरंतर चलते रहते हैं, जीवित रहते हैं, अपने आप को और आगे बढ़ाते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं, नए नए लक्ष्य बनाते हैं और नए नए लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इस प्रवाह के विरुद्ध चलने की कोशिश करते हैं, इस बहाव के विरुद्ध चलने की कोशिश करते हैं, इस बहाव के विरुद्ध रुके रहने का प्रयास करते हैं, वही हमारे अवसाद का कारण है, वही हमारे डिप्रेशन शुरू हो जाता है। आप देखेंगे जो लोग जितना जवान बने रहने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कपड़ों से हो, चाहे अपने डिफरेंट टाइप के बॉडी को रखना चाहिए, मैं कहता हूँ चलाए मन रखिए, चलाए इस तरह होना चाहिए कि आपको अपने आप को समय देना है, आपको अपने समय अपने लिए समय निकालना है, जीवन के जो 24 घंटे में आपको 2-3 घंटे अपने लिए निकालने हैं, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको ये सब चीजें करते हुए अपने को इतना फिट रखना है कि आप किसी के ऊपर बोझ ना बने, आप बोझ बनने की बजाय लोगों का संबल बने। जैसे कहते हैं एक बूढ़ा हो जाना और एक वरिष्ठ हो जाना है, आप बूढ़े मत होइए, आप वरिष्ठ होइए, सीनियर बनिए, सीनियर सिटीजन बनिए। लेकिन आप जब बूढ़े सिटीजन बनेंगे इसका मतलब कि आपने यह गिवन अप एवरीथिंग, सो गिव टाइम टू योरसेल्फ, अपने आप को फिट रखिए। लेकिन जो चल रहा है, जो बहाव है, नदी का बहाव है, उसके साथ धीरे धीरे बहते रहिए, अपने चप्पू चलाते हुए, अपने आप को जीवंत रखते हुए, उसके विरुद्ध चलने की कोशिश मत करें, नदी के बहाव को रोकिए मत। नदी जो पर्वतों से चली है, बर्फ थी, बर्फ पिघल के नदी बन के आई है, उसने अपना रास्ता ढूंढा, अंत में उसको सागर में मिलना ही है, उसको आप नहीं रोक सकते। जब आप रोकने का प्रयास करते हैं तो यही आपके अवसाद का कारण होता है। जब आप इसके साथ साथ चलने लगते हैं तो जीवन सुखमय हो जाता है। आप हर चीज को स्वीकारते चलिए, ना केवल जीवन में घटित होती हुई चीजों को स्वीकार करिए, ना केवल आप इस चीज को स्वीकार करिए कि आप में धीरे धीरे जो परिवर्तन हो रहे हैं, शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, मानसिक परिवर्तन हो रहे हैं, उनको स्वीकार करिए। आप ये भी स्वीकार करिए कि जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, जो कल तक आपके साथ थे, आपके परिवार में थे, आपके साथ हंसी खुशी बैठे हुए थे, आप यार दोस्त से धीरे धीरे सबको जाना है, उन सब का जाना तय है, वो जा रहे हैं, उनका जाना भी आप स्वीकार करिए। अगर कोई नया पदार्पण आपके परिवार में हो रहा उसको भी स्वीकार करिए, प्रसन्नता का स्वीकार करिए। अमीरी है तो अमीरी को स्वीकार करिए, गरीबी है तो गरीबी को स्वीकार करिए, सुख है तो सुख को स्वीकार करिए, दुख है तो उसको स्वीकार करिए। ये स्वीकारता, ये बहाव, नदी के बहाव की स्वीकारता बहुत आवश्यक है। इसके बिना आपके जो कहा जाएगी बैलेंस लाइफ बिल्कुल नहीं हो सकती। बैलेंस लाने के लिए है कि यू शुड एक्सेप्ट द लाइफ एज इट इज गोइंग विद द टाइम, टाइम के साथ फ्लो करते रहिए, आपको टाइम के साथ फ्लो करना है, चलते रहना है, इससे बहुत आनंद मिलेगा। एक बार इस तरह जी के देखिए, चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए, आपको लगेगा जो हो रहा वो तो होना ही था, अगर ये गलत कुछ हो गया है तो ये भी होना था, अगर ये अच्छा हुआ है तो ये भी होना ही था। और गलत ये आपकी नजरों में हो सकता है, दूसरे की नजरों में जरूरी नहीं कि वो गलत हो। अब देखिए ना, एक आदमी से आपको कुछ परेशानी हो सकती है, वो आपके लिए नेगेटिव हो सकता है, आप सोचेंगे कि वो नेगेटिव है, उसको नेगेटिव रहने दीजिए, होने दीजिए।
लेकिन आप ये भी तो सोचें कि कितने लोगों के लिए पॉजिटिव होगा, हो सकता है आपके इंटरेस्ट कहीं उससे क्लैश कर रहे हैं, उस वजह से वो आपको पसंद नहीं आ रहा, आपके लिए वो आदमी अच्छा नहीं है, लेकिन कितनों के लिए वो अच्छा होगा, अपने पेरेंट्स के लिए कितना अच्छा होगा, अपने बच्चों के लिए कितना अच्छा होगा, अपने परिवार के लिए कितना अच्छा होगा, अपनी पत्नी के लिए कितना अच्छा होगा, अगर आप इन चीजों को लेके चले तो सुख ही सुख है, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। आप सबको स्वीकार, क्योंकि ये पूरा संसार ही ईश्वर का रूप है, ये संसार की एक एक वस्तु स्वयं ईश्वर का प्रतिरूप है, इस संसार की एक एक चीज ईश्वर ही है। जैसे कहते हैं कि आप ईश्वर को जानना और ईश्वर में बिलीव करना, ये दो अलग अलग चीजें। अगर हम ये मान के चलते हैं हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो यानी कि ईश्वर कहीं है, कहीं ऊपर बैठा हुआ है, वो हम सब पे नजरें रखे हुए हम सबको चला रहा है, वो है ईश्वर को मानना, ईश्वर पे बिलीव करना, भगवान पे बिलीव करना। लेकिन जब हम ईश्वर को जानना शुरू कर देते हैं, तब हम प्रत्येक वस्तु उसका स्वरूप है। ये छोटे छोटे जीव जंतु जिनको हम चारों तरफ देखते हैं, देखे अनदेखे जीव जंतु, इन सब में ईश्वर का स्वरूप है, ये प्रकृति में ईश्वर का स्वरूप है। जब हम इन चीजों को, ईश्वर को इस तरह अपने चारों तरफ देखने लगते हैं, ईश्वर को अपने बहुत करीब पाने लगते हैं, तो बड़े आनंद की अनुभूति होती है। तो जब हम देखते हैं, जब चारों तरफ ईश्वर ही है, वही कर रहा है, वही उस सब चीजों को समझा रहा है, घटना कर रहा है, उसी के द्वारा हमारे जीवन को चलाया जा रहा, तो फिर हम कौन हैं? फिर हमें किस चीज से पश्चाताप होगा, हमें किस चीज से उद्विग्नता होनी चाहिए, हमें किस चीज पे क्रोध आना चाहिए? बस आप बहाव के साथ बहते जाइए। आप जब पैदा हुए, आपको नहीं पता था कि आप क्यों पैदा हो रहे हैं, आप किस शक्ल के साथ पैदा होंगे, किस परिवार में पैदा होंगे, किस कुल में पैदा होंगे, किस जाति में पैदा होंगे, किस शक्ल सूरत के साथ पैदा होंगे, किस कलर के साथ पैदा होंगे, जब उस पर आपका नियंत्रण नहीं था, तो आगे आप बढ़ते हुए किस बहाव के साथ, किन घटनाओं के साथ, किस शहर में कैसे रहेंगे, उस सब को पे आपका कोई नियंत्रण नहीं, उसको चलने दीजिए और उसके साथ बहते जाइए स्वीकारते हुए, बस पूरे मनोयोग के साथ जो आपके कर्तव्य हैं उनका पालन करते रहिए, तो आपका जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा, बड़ा संतुलित हो जाएगा, आपका आनंद, आपके जीवन में आनंद आना शुरू हो जाएगा। आप समझ लीजिए, जो चीजें घट कई बार होती है, आप लोग प्रेरणा मिलती है, आप सुबह पूजा कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, तो सडनली यू स्टार्ट थिंकिंग, जिस चीज का पिछले महीनों सालों से किसी चीज में कोई जिक्र नहीं होता था घर में, या जिसका दूर दूर तक सपने में आपको ख्वाब ख्याल नहीं था, पूजा करते करते अचानक आता कि हमको ये करना था, या हमको ये करना चाहिए, या हमको इसके ये हेल्प करनी चाहिए, तो वो आते ही कोई तो है जो आपको प्रेरणा दे रहा है, कोई तो है जो आपके अंदर इस चीज को, इस प्रेरणा को जगा रहा है, इस बात के लिए कह रहा है ये करो। अगर वो कर कह रहा है और आप उसके लिए समर्थ हैं, तो अवश्य करिए, फिर उसका परिणाम देखिए किस तरीके से काम होते हैं, किस तरीके से चीजें होती हैं। आप जब होते हुए देखेंगे ना, तो अद्भुत है प्रभु की रचना चारों तरफ जो भी देखें। आज मैं थोड़ा सा अहंकार के ऊपर या जो ईगो है उसके ऊपर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये ईगो आजकल समाज में बहुत ज्यादा है। अहंकार के मैंने चलते हुए सरसरी तौर पे कई बार पहले भी इस पे बोला हुआ है, लेकिन ईगो हमारे अंदर, जब हम वही है ना, प्रकृति के विरुद्ध चलने की कोशिश करते हैं, तो कहीं मैं होता हूं, मैं मेरा, आई एम, अहम। जब कोई घटना घटित होती है या कोई आपको अपमानित करता है, तो कौन सबसे ज्यादा परेशान होता है? अगर आपका अपमान हो रहा है, तो सबसे ज्यादा परेशान आप होंगे, वो इसलिए होंगे कि आप सोचते हैं, अरे मैं, मेरे को इसने ऐसा कह दिया, मेरे बारे में उसने ऐसा कह दिया, हाउ डेयर्ड ही, उसकी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे बारे में। और जहां ये मेरे बारे में मैं आया, तो वो तो अपने आप में अहंकार है। जब आप मैं, मेरे बारे में, मैं, आई एम, मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतना सशक्त आदमी, मैं इतना बलिष्ठ आदमी, मैं इतना अच्छा, समाज में मेरी इतनी इज्जत, मेरे बारे में ये ऐसा कह दिया, जब आप इस तरह से लेंगे चीजों को, तो वो आपको अपमान, जितना उसने किया नहीं उससे ज्यादा आपको परेशान करेगा।
अगर उसने तलवार की एक धार चलाई है तो आपके अंदर दिल के अंदर दुधारी तलवार के कई बार चलते रहेंगे और ईको करते रहेंगे। और जब आप ये अहम मैं ये सब छोड़ देंगे, उसने कहा, उसने गाली दी, उसने अपने मुंह को खराब किया, उसने अपनी जुबान खराब की, मैं तो वही हूं जो मैं हूं, मेरे अंदर तो वही है जो मेरी अंदर की सच्चाई है, वो तो है ना, उसने कहा उसको कहने दो भाई, उसको स्वतंत्रता है बोलने की, उसको अगर स्वतंत्रता है गाली देने की, अगर उसको स्वतंत्रता है आपके बारे में भला बुरा कहने की, तो आपको भी तो ईश्वर ने स्वतंत्रता दी है कि आप उस भले बुरे को, उस गाली को ना सुने। क्या सुनना आवश्यक है? क्या उसका जानना आवश्यक है? हम क्यों बार बार किसी से पूछते रहते हैं उसने मेरे बारे में क्या कह रहा था, मेरे बारे में कैसा क्यों कह रहा था, वो क्या कह रहा था, मेरी तरफ इशारा करके कुछ बोल रहा था, क्यों करते हैं, क्या जरूरत है? और सुन के हमको क्या मिल जाता है? अगर अच्छी चीज कही है तो हम भूल जाते हैं, अगर उसने कुछ हमारे खिलाफ कहा है तो हम एकदम से या तो क्रोधित हो जाएंगे या डिमोरलाइज हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में हम जो हैं हम तो वही रहेंगे ना। किसी ने अच्छा कह दिया तो हम अगर बहुत चौड़े हो गए या बहुत ज्यादा अपने आप को समझने लगे तो उसके कहने भर से क्या हमें वो आत्म शक्ति आ गई जिसकी हमको आवश्यकता है या जो हमारे अंदर होनी चाहिए, या उसके हमारे विरुद्ध कहने से क्या हमारी आत्म शक्ति में कोई ह्रास हो जाएगा? वो तो वही रहेगी, हम तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। हमको जो अपने कर्म पथ पे चलना हमको वैसे ही चलना, हमें सच्चाई के रास्ते पे चलना हमको वैसे ही चलना है, और हम उसी तरह चलते भी रहेंगे, हमको उस पथ से डिगना नहीं। बल्कि आप ये सोचिए कि जिस आदमी ने आपको गाली दी है, जिस आदमी ने आपके बारे में भला बुरा कहा है, या जो आपके बारे में गलत सलत बातें फैला रहा है, उसकी मना स्थिति क्या होगी, वैसा क्यों कर रहा है? अगर आप जब उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, उसके बारे में आप जानना शुरू कर देंगे, तो शायद आपको क्रोध नहीं उस पर आएगा, आपको उस पर तरस आएगा, उस पर दया आएगी। वो कितनी परेशानियों में, किस टेंशन में, किस मेंटल एगोनी में, क्यों ना मैं उसकी कुछ मदद करूं, उसकी मदद करके उस मेंटल एगोनी को उसको दूर करूं। जब ये विचार आपके अंदर आ जाएंगे तो जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। ये मैं, मेरा, मैं कुछ भी नहीं है। देखिए, ये शरीर कहाँ से लिया, ये बना किस चीज से, तो बड़ी बेसिक सी चीजें हम लोग मीटिंग मेरों से, जल से, अग्नि से, वायु से, भूमि से, आकाश से, इनसे ये भगवान ने हमको ये चीजें दी है, ये शरीर बनाया है, ये सब कुछ यहीं से आया है, और जब हम चले जाएंगे ये सब इन्हीं सब में समा जाएगा। तो ना ये शरीर हमारा है, ना हम इस शरीर के हैं, तो हमारा है क्या? सब कुछ तो यही का है ना, जो यहाँ का लिया यहीं पे दे दिया, सब कुछ देकर खत्म कर देना है। तो ना शरीर हमारा, ना हम शरीर के, तो इस शरीर की खूबसूरती भी बेकार है, हमारी नहीं है। इस शरीर में अगर कुछ कमियां हैं वो भी हमारी वजह से नहीं है। हम तो ईश्वर का एक अंश है, ईश्वर का स्वरूप है, अगर उसने अच्छा बनाया है तो उसने अपना बनाया है, मतलब हम तो हैं उस ईश्वर के ना, हम उस ईश्वर के पुत्र हैं, हम उस ईश्वर की संतानें हैं। अगर उसने हमें अच्छा बनाया है, खूबसूरत बनाया है, तो ये उसकी देन है। और उसने मेरे में कोई कमी रख दी है, किस तरीके का दुर्बलता रख दी है, किसी तरीके का हैंडीकैप दे दिया है, तो ये भी उसने किया, तब भी हम उसी की संतान है। आपके अपने बच्चे होते हैं, चार बच्चों में अगर कोई दो तीन बहुत खूबसूरत है, एक में रंग थोड़ा सा दबा हुआ है हमारे जैसा हो गया, या किसी में कोई हैंडीकैप हो गया बच्चा, या किसी में कोई मानसिक विकार आ गया विकार, तो क्या आप उसका त्याग कर देंगे? वो तो आपका ही बच्चा रहेगा ना, वो तो आपकी संतान है ना। ऐसे ही हम सब ईश्वर की संतानें हैं, हम अपनी सभी कमियों के साथ, सभी अच्छाइयों के साथ, हम उस ईश्वर की संतान हैं। बस हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे इंप्रूव करें। ईश्वर ने हमको भेजा है यहाँ पे, किसी पर्पस के साथ भेजा है, किसी उद्देश्य के साथ भेजा है, और उस उन उद्देश्यों की वो लगातार प्रेरणा देता रहता है, लगातार आपको साउंड आती रहेगी, लगातार आपके दिमाग में ख्याल आते रहेंगे, किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशंस होते रहेंगे कि आपको ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ये करो तो अच्छा है। और धीरे धीरे ये करना जब आप शुरू कर देते हैं तो आप ईश्वर के कहे अनुसार चलने लगते हैं, उसके बताए रास्ते पे चलने लगते हैं, तो आपका जीवन बड़ा आनंददायक हो जाता है। और आप देखिए, जब तक आप इकट्ठा करते रहेंगे, रखते रहेंगे, आजा आजा आजा, मैं ले लूं, मैं ले लूं, मैं ले लूं, मैं ये इकट्ठा कर लूं, ये धन एकत्र कर लूं, कपड़े एकत्र कर लूं, इसको एकत्र कर लूं, जमीन ले लूं, जायदाद ले लूं, ये चाहे ले लूं, वो ले लूं, तब तक आपको सिर्फ आप
ही अच्छे लगेंगे, तब तक आपका अहम आपके अंदर और बढ़ता रहेगा, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ऐसा, वो ईगो आपके अंदर, ईगो को इससे सेटिस्फाई करेगा, एक मकान, दो मकान, चार मकान, छह मकान, 10 ड्रेस 20 ड्रेस, आज गए शॉपिंग के, हमने सीधे जाके आज 20-25 ड्रेस खरीद ली, 10 पैंटे ले ली, 10 शर्टें ले ली, ये सिर्फ आपके ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है और इससे आपको सिर्फ प्लेजर मिल रहा है। प्लेजर मतलब जो डोपामाइन एक से होता है, हार्मोन से, और वो क्षणिक होता है, वो आपके साथ हमेशा नहीं चलने वाला। अगर आपको हैप्पीनेस लेनी है तो आप ये मान के चलिए कि जो आपको मिल गया वो व्यर्थ है, जितना आपने ले लिया है वो सारा व्यर्थ है, क्योंकि जब तक वो नहीं मिला था तब तक उसकी कीमत थी। एक बार आपने ले लिया, आपके पास आ गया, तो पैंटे भी लगी रहेंगी आपके वार्डरोब में, आप दिन में 10 पैंटे तो, या एक साथ 10 पैंटे तो पहनेगी ना, 20 शर्ट एक साथ पहनेगी, लगी रहेंगी, पड़ी रहेंगी, देखते रहिए, खुश होते रहिए, कितने दिन खुश रहेंगे और कितने लोग आपकी इस खुशी में सहायक होंगे। लेकिन यही जब आप समाज को देना शुरू कर देते हैं, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा ना रखते हुए जब आप समाज में देना शुरू कर देते हैं, तब आपके साथ खुश होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। और जब ये लोगों की संख्या बढ़ती जाती है तो आपका जो प्लेजर है ना, वो प्लेजर टर्न हो जाता है टुवर्ड्स हैप्पीनेस, जिसकी हमको हमेशा से आवश्यकता रही। आप अपने साथ के लोगों को, अपने परिवार को पहले देखिए, उसके बाद फिर अपने रिश्तेदारों को, जिनको भी आप सोचते हैं, फिर समाज की तरफ, जितना आप देते चलेंगे, आप खुद सोचिए कि कितने भी महानुभाव हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, जितने भी महान अनुभूतियां हुई हैं हमारे पूरे विश्व में, हम खाली भारत की बात नहीं करते, पूरे विश्व में देखिए, जिनको हम आज याद करते हैं तो सिर्फ इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने दिया था, अपने पास नहीं रखा, उन्होंने समाज को दिया। खुद एक लंगोटी में रहे, खुद एक कपड़ों में रहे, दो कपड़ों में रहे, हम हमेशा ऐसे लोग को याद करते हैं, और समाज ऐसे ही लोगों को मान मर्यादा देता है, और ऐसे लोगों का हमेशा हमेशा सम्मान रहता है, और ऐसे ही लोग पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ियों याद किए जाते हैं। कृष्ण भगवान को इसलिए याद करते कि उन्होंने 99 गालियां माफ की थी शिशुपाल, 100वीं गाली पे उन्होंने जाके इस पे सुदर्शन चक्र चलाया था, तो उनको 99 गालियां माफ करने पे हम याद करते हैं। कृष्ण ऐसे नहीं कृष्ण हो गए, भगवान होते हुए भी वो सारथी का उन्होंने रूप लिया था अर्जुन की, तब वो कृष्ण थे, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। क्या उनके लिए कुछ करना मुश्किल था? क्या उनके लिए महाभारत का युद्ध जीतना मुश्किल था? नहीं। शेषनाग के फन पे खड़े होकर भी जो नृत्य करता है, कितनी विरोधी स्थितियों में रह के, वो कृष्ण बनने के लिए होता है। हम उसी कृष्ण की तो संतानें हैं जो हमको सिखाते हैं कि हमको कहां किस अवस्था में किस तरीके से रहना है। शेषनाग के फन पे जहर के ऊपर रहते हुए भी अगर हम नृत्य कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी बिल्कुल विकराल परिस्थितियों में परेशान हो, उसके बावजूद भी अगर हम ईश्वर की दी हुई चीजों पे, इस परेशानियों पे भी प्रसन्न रह सकते हैं, तो तभी हम कृष्ण के, भगवान के सच्चे उपासक हैं। विरोधी परिस्थितियों में भी हम चाहे जितने महान हो, जितना बड़ा हमारे पास पैसा हो, लेकिन अगर हमको भगवान ने कहा कि आज आपको ये काम करना है जो कि आपके हिसाब से, आपके मन के हिसाब से, आपके सम्मान के अनुसार नहीं है, लेकिन आपने क्या कृष्ण के सम्मान के अनुसार सारथी बनना नहीं था, लेकिन सारथी बने। अगर आप भी बहुत 10-50 गाड़ियां खरीद सकते हैं, लेकिन आप किसी दिन एक ड्राइवर बन के किसी के साथ चलने को कहा जा रहा हो और आप चल देते हो, तो वो आपकी महानता, उसमें आपकी महानता गिरी रहे, तो देने में ही आपकी महानता है। तो जब आपका ये ईगो सिस्टम, जिसकी मैं बात कर रहा था, ये ईगो सिस्टम को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करना है, जब आप मान के चलेंगे जो भी हो रहा है सब उस ईश्वर की कृपा से हो रहा है, मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग, ना मैं संसार के पहले था, ना मैं संसार के बाद हूं, ना मैं अपने पहले था, ना मैं अपने बाद हूं, जो कुछ आज मेरे पास है वो भी उस ईश्वर की कृपा से है, अगर नहीं है तो भी उसकी कृपा से है। तो हमें किस चीज का ईगो है, किस चीज का अहंकार, 2 मिनट में स्थितियां बदलती हैं, 2 मिनट में, 5 मिनट नहीं लगते हैं तूफान आते हुए, मतलब मेरी तो आंखों में आंसू आ जाते जब लोग बताते हैं कि उन्होंने फ्लैट के लिए पैसा रखा हुआ था बैंक में कि फ्लैट खरीदना है, लेकिन कोरोना में उनका 35 लाख 40 लाख 45 लाख रुपया सिर्फ हॉस्पिटल में लग गया। अभी कल ही एक बच्ची से मेरी बात हुई, I was almost on crying,
कहती अंकल हम लोग किराए का मकान में रह रहे थे, उसको खाली करके हम 35 लाख रुपया रखा हुआ था कि फ्लैट ले लेंगे थोड़ा दूर आउटर साइड में, एंड दे हैड टू स्पेंड इट ऑन ए नर्सिंग होम क्योंकि उनके परिवार के सब लोग को कोरोना हो गया था. नाउ एवरीबडी हैज सर्वाइव्ड बट विद नो मनी एंड शी इज स्टिल हैप्पी. क्या कैसे करो अंकल, करना तो है ही ना, वी हैव टू कैरी ऑन. उसने कहा कैरी ऑन, तो उसकी बात से मुझे लगा कि कितनी हिम्मती है ये लड़की, ये कितनी बच्ची, कितनी हिम्मती है. जब हम इन चीजों के साथ, जिनके पास है वो मतलब सुखी, सुखी होने की कोई परिभाषा है क्या? हम सुखी तभी हो सकते हैं कि जब हमारे पास जितना है जो है हम उसमें प्रसन्न है. जितना भी ईश्वर ने दिया, जिन परिस्थितियों में रख रहा है, जिस बहाव में बहार हमको रखे हुए, जिस बहाव के साथ हम बहे जा रहे हैं, उसमें हम प्रसन्नता के साथ बने रहें तभी हम सुखी हैं. लेकिन जिस दिन हमने अपने सुखी होने की, अपनी प्रसन्नता की परिभाषा ये लगा ली कि हम उससे ज्यादा सुखी हो जाएं, कंपेयरिंग पे आ गए, तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते. आप 24 घंटे परेशान रहो. अगर आपका काम साइकिल चलाने से हो सकता है, तो साइकिल अगर आपके पास है तो आपको सुखी होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए. और आपके पास टू व्हीलर है और आप टू व्हीलर से आप बहुत प्रसन्न होते हैं, तो आपको उसमें सुखी होना चाहिए. लेकिन अगर आप ये सोचो कि नहीं, जो फोर व्हीलर वाला उतनी सुख, उतना सुख हमको मिल जाए, या हमारे पड़ोस में लोग हैं बहुत ज्यादा हंसते रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, मुझे उनसे ज्यादा खुश रहना या उनसे ज्यादा सुखी रहना, तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते. सुखी रहने की परिभाषा सिर्फ इतनी है कि आपके पास जो है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और जो नहीं मिला है अगर उसके पीछे पड़े रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, उसके लिए प्रयास करते रहेंगे, प्रयास करिए, अटेन करिए, लेकिन उसके लिए अगर दुखी रहेंगे आप, तो फिर आपको जीवन में कोई सुखी नहीं कर सकता. केवल आप स्वयं दुखी रहेंगे, अपने चारों तरफ के वातावरण को आप नकारात्मकता से भर देंगे. इससे बचिए. सुखी होने की परिभाषा सीखिए कि सुखी किसे कहते हैं. आपने कभी किसी मजदूर को देखिए, उससे ज्यादा सुखी कौन होगा? दिन भर मजदूरी करता है, शाम को पैसे लिए, उसके बाद में गुड़ चना आटा बाजरा जो भी सब्जी अब्जी ली, कोटली में बांधी, घर गया, कहीं भी उसने दो ईंटें लगाए, उसके ऊपर उसने एक लोहे का वो पटरा रखा, उसके ऊपर उसने खाना बनाया, खा गया, उसके बाद रोज उसी फुटपाथ पे सो जाता है. उसको कोई फिक्र नहीं कि उसके पास कुछ है ही नहीं ना, कौन ले जाएगा, कौन क्या चोरी कर लेगा. परेशान तो वो हो जिनके पास है, वो बचा किस तरीके, कहीं हमारा ये धन चला ना जाए, कोई चोर ना ले जाए, कोई डकैती ना हो जाए. और आजकल तो साइबर क्राइम में बहुत कुछ हो रहा है, कहीं कोई ऐसा मैसेज में हम जवाब ना दे दे कि हमारा सारा बैंक अकाउंट खाली हो जाए, हम ज्वेलरी पहन के जा रहे हैं, कोई चैन स्नैचिंग कर ले, तो वो उसमें प्रसन्न है और बड़ी संतोष की नींद सोता है. और हमारे पास है, हमें और चाहिए, उसके लिए परेशान है, और जो है वो कहीं चला ना जाए उसके लिए परेशान. सुखी होने के लिए आपको सिर्फ कंपेयर नहीं करना, अपने आप को छोड़ दीजिए. जिन भी हालात में है, जैसी हालात में है, आप प्रयत्न करते रहिए, प्रयास करते रहिए अपने जीवन की और अच्छी, उसको प्रोग्रेसिव बनाने के लिए. और इस तरीके से प्रोग्रेसिव बनाइए, इस तरीके से तरक्की कीजिए कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए कुछ कर सके, उन लोगों के लिए कर सके जिनको वाकई में जरूरत है. ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने लिए बनाते चले, बनाते उसके लिए प्रयास करें, दूसरों के लिए प्रयास करना शुरू कर दें, देखिए ईश्वर आपकी कैसी मदद करता है. ये ईश्वरी सिद्धांत है, इसमें मतलब मैं ना कोई जादू की बात कर रहा हूं, ना मैं कोई बहुत भक्ति की बात कर रहा हूं, ना मैं, ये सब ईश्वर के सिद्धांत है कि जब आप दूसरों के लिए करना शुरू कर देते हैं तो वो आपकी मदद करना शुरू कर. जब आपकी नियत अच्छी होती है और नियत में आप समाज के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के, दूसरों के कल्याण के लिए काम करना शुरू करते हैं, तो पूरी कायनात आपके साथ होती है, ईश्वर की पूरी शक्ति आपके साथ लग जाती है कि ये तो मेरा ही काम कर रहा है. आप सोचिए ना, ईश्वर कहता है कि तुम तो मेरा ही काम कर रहे हो, तुम तो मेरे दूध बन के गए हो, मुझे तो तुम्हारी मदद करनी, मुझे तो वो शक्तियां तुम्हें देनी है, तुमको वो परिस्थितियां उपलब्ध करानी की जहां पर तुम मेरे काम को आगे बढ़ा सको, वहां पर तो फिर आपको पूरी मदद होगी ना. तो इसलिए आप अपने ईगो को समाप्त कीजिए, मैं, मेरा, मेरे लिए, मेरा सब, मैं ही हूं, आप कुछ नहीं है. आजकल देखिए, इसके विल नॉट बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स, लता जी की डेथ हुई है, जो भारत रत्न लता दीदी की,
उनके बारे में कई व्हाट्सएप आने शुरू हो गए कि उन्होंने आखिरी समय में ये कहा ही नहीं। मैं उसको वेरीफाई नहीं कर रहा कि क्या एक्चुअल है क्या नहीं, लेकिन उस पर जो भी लिखा है वो गलत नहीं है, उन्होंने कहा या नहीं कहा दूसरी बात है, लेकिन जो इतना विशाल चरित्र का, इतने विशाल व्यक्तित्व की महिला रही हूं, पूरा राष्ट्र ही नहीं पूरा विश्व उनकी बातों उनकी आवाज से अभिभूत था, जिसको 36 लैंग्वेजेस में जिन्होंने गाने गाए, उनकी गीतों को सुन के बच्चे बड़े हुए, हम लोग भी बड़े हुए, और कितनी पीढ़ियों के सिंगर्स के साथ उन्होंने गाने गाए, क्या नहीं था उनके पास, और अंत समय में एक एक श्वास के लिए तरसते रहे। ये तो बहुत बड़ी हस्ती थी जिनके लिए कहा जा रहा। तो हम लोग तो है ही क्या, हमारे पास है ही क्या। अपने ईगो को समाप्त करें, और जिसके विषय में आप जो जिसकी बातें आपको परेशान करती हैं, जिसकी बातों से आप परेशान हो जाते हैं, जिनको लगता है कि वो आपकी बेइज्जती कर रहा है या गलत बात कह रहा है, आपकी उसकी मना स्थिति को पहचानने की कोशिश करें, और अगर हो सके तो उसकी मदद करें, उस पर दया रखें, उस पर तरस खाएं। इसी से समाज का कल्याण होगा, और जब आप अपनी चारों तरफ का ये वातावरण बना लेंगे इस तरह का, तो तभी आपके लिए भी पॉजिटिविटी चारों तरफ रहेगी, वरना आप खुद भी परेशान रहेंगे और सामने वाला तो और परेशान होता रहेगा। आप चीजों को बर्दाश्त करना शुरू करिए, चीजों को समझना शुरू कीजिए, चीजों को इग्नोर करना शुरू कीजिए, तो चीजें बहुत आसान होती चली जाएंगी। आज का एक दूसरा विषय मैं लेना चाह रहा था, स्क्रीन टाइम। हालांकि हम खुद लोग भी रोज एक घंटा स्क्रीन पे बिता रहे हैं, लेकिन एक बड़ी मोबाइल पे एडिक्शन शुरू हो गया, मोबाइल का एडिक्शन। इस पे मैंने सोचा आज थोड़ी सी चर्चा की जाए। एडिक्शन कई तरह का होता है, किसी को काम के लिए बहुत ज्यादा एडिक्शन होता है, किसी को खाना बनाने का एडिक्शन होता है, किसी को खाना खाने का एडिक्शन होता है। वो ऐसी एडिक्शन है जो आपकी लाइफ को नेगेटिव बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करती, लेकिन कुछ एडिक्शंस होते हैं नशे के लिए हो जाते हैं, सिगरेट पीने के हो गए, ड्रग्स के लिए हो गए, उनको छुड़वाना बहुत मुश्किल है। एक बार हो जाए एडिक्शन तो उसके लिए तो बहुत लंबे लंबे ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, और उसमें जीवन पूर्णतया समझ लीजिए बेसिक्स खत्म हो जाते हैं, आपके करेक्टर के, आपके व्यक्तित्व के, आपके फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेसिक्स काफी उनका बहुत हास हो जाता है। लेकिन इधर जैसे कहा जा रहा है कि जितना हम 5 सिगरेट पीने से जितना डोपामाइन हमारे में क्रिएट होता है, उतना ही 2 या 3 मिनट का वीडियो गेम खेलने से होता है। और आज के बच्चों को हम लोग मोबाइल पकड़ा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे नए बच्चे होते हैं, वो खाना नहीं खा रहे होते, उनके सामने मोबाइल पे हम लोग शुरुआत कर देते हैं तो इस कार्टून मूवी की, तो मूवी देखते रहते हैं, और उसके बाद उसमें खाना तभी खाते हैं या दूध तभी पियेंगे। ये हम लोग कहाँ किस तरफ लेते जा रहे हैं चीजों को। आप खुद देखिए आपके मोबाइल, अगर सोच के देखिए कि आपको नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेट नहीं चल रहा है। एक वो भी समय था जब मोबाइल थे ही नहीं, एक वो भी समय था नेटवर्क वाली नाम की चीज नहीं थी, एक वो भी समय था कि टीवी के इतने चैनल्स नहीं होते थे, दूरदर्शन के खाली 2-3 घंटे होते थे, तब भी हम लोग जिंदा थे और ज्यादा खुश थे, और एक दूसरे से ज्यादा इंटरपर्सनल हम लोग के रिलेशंस थे, मिलते थे, घर से बाहर निकलते थे। पहले टीवी के चैनल्स आए, टीवी चैनल्स के बाद पेजर आया, पेजर के बाद ये डेस्कटॉप ने हमको एक टेबल पे आके स्थिर कर दिया कि टेबल पे बैठ जाइए और इस पे कंप्यूटर चलाते रहिए। फिर और आगे बढ़े तो लैपटॉप आ गया कि अब आप टेबल को भी छोड़िए, बिस्तर पे बैठ जाइए और अपनी गोद में कंप्यूटर को रख लीजिए, उसको चलाते रहिए। डेस्कटॉप के पास आपके पास पाम टॉप आ गया, या उसे कह लीजिए थिंक पैड आ गया, समथिंग जिसे आईपैड टाइप का, उसको आपने हाथ में लेके करने लगे। उसके बाद आ गया आपका ये मोबाइल। मोबाइल लेकर सारा दिन झुके झुके सुबह से शाम तक, और आपके जितने ज्यादा ग्रुप हैं, जितने ज्यादा आपके कॉन्टेक्ट है, उतने ज्यादा मैसेजेस आएंगे, अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बढ़ती है, नो डाउट। लेकिन अगर हम उसका इस्तेमाल बहुत ही रेगुलर वे में करें, रेगुलराइज्ड वे में करें कि हमें कम्युनिकेशन बनाना है, कनेक्टिविटी बनानी, कुछ इंफॉर्मेशन के हमें चाहिए उसके लिए करें, तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं। आज की दुनिया में एक बड़ी क्रांति है। लेकिन जब हम उसको इतना यूज करने लगे कि वो एक एडिक्शन हो जाए,
तो आप मान के चलिए कि वो एडिक्शन फिर आपसे छुड़वाना बड़ा मुश्किल है। उसको छुड़ाने के लिए अगर आप ये देखना चाहते हैं, मैं जितने भी बैठे हुए यहाँ पे और जो भी बाद में कभी सुनेंगे उनसे खाली इतना कहूंगा कि आप कभी 4 या 6 घंटे के लिए मोबाइल को कहीं ऑफ स्विच ऑफ करके रख दीजिए, या आप 24 घंटे के लिए आप मोबाइल को बंद करके छोड़ दीजिए। अगर आपको कहीं कोई कमी महसूस नहीं हो रही है तो आप में एडिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपका कोई बहुत करीबी आपके पास से चला गया, या आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, या आप कहीं कुछ खो सा गया है, या आपके छोटे भाई जैसा कोई था जो हमेशा आपके साथ रहता था, सब बताता रहता था, वो चला गया, या आपका पर्सनल असिस्टेंट कहीं गायब हो गया है, आप एकदम हड़बड़ाहट में हैं, बौखलाए हुए हैं, मैं क्या करूं, मेरे को करने को कुछ नहीं है, मैं बोर हो रही है, तो आप समझ लीजिए आप एडिक्शन की तरफ चल दिए हैं। इस एडिक्शन से आपको बचना है। बच्चों को में एडिक्शन इतना ज्यादा हो गया वीडियो गेम खेलने का कि रिसेंटली मैं अपने बहुत एक क्लोज रिलेटिव के यहाँ गया, तो उन्होंने अपने बेटे को आवाज लगाई मिलने के लिए, तो उसे सुना नहीं, तो हम लोग चलो उसका दरवाजा खुलते कहते अंदर, वो पबजी खेल रहा था, ये 1.5 साल पहले जब पबजी अलाउड था। तो जैसे ही दरवाजा खोला है द बॉय क्राइड लाइक एनीथिंग, कौन है, क्या बात है, हम लोग डर के मारे दरवाजा बंद कर दिया। उसके ग्रैंडफादर थे उन्होंने बंद कर दिया, वो पबजी खेल रहा है, उसके इसमें डिस्टर्ब नहीं करना। दिस इज एडिक्शन कि आपको अपने रिलेशंस, अपने जो बड़े हैं उनकी भी मान मर्यादा भूल जाएं, उनकी भी इज्जत भूल जाएं, सिर्फ एक वीडियो गेम के लिए, और सारा दिन सर लटका हुआ देखते चले जा रहे हैं कि आपसे छूट ना जाए। तो वो जो मैं बता रहा था ना कि एडिक्शन का एक लेवल क्या, डोपामिन क्रिएट होता है, एक हार्मोन है, तो वो आपको प्लेजर देता है। तो जब आप 2-4 मिनट के लिए वीडियो गेम देखते हैं तो आपके 5-4 सिगरेट लगातार पीने का जो मजा आता है, आप खुद सोचिए कि जो आधा घंटा 1 घंटा वीडियो गेम देखते हैं उसमें कितना ज्यादा वो हार्मोन प्लेजर वाला पैदा हो। और जब एक बार आपको एडिक्शन हो गया तो फिर यू ट्राई टू गो फर्दर, जैसे आपने ड्रग्स के लिए होता है ना कि आपने पहले बहुत कम लिया फिर जब बढ़ाया, या लिकर के लिए कि 1 पैक 2 पैक 4 पैक फिर 6 पैक, फिर इसमें आपको मजा नहीं आता, देन यू गो फॉर समथिंग विच कैन हिट यू मोर हार्ड, फिर देन यू गो फॉर समथिंग। तो आप वीडियो गेम से फिर आगे बढ़ना, तो जब आपको उसके आगे प्लेजर नहीं मिलता है देन यू गो इनटू डिप्रेशन, आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, यू स्टार्ट बिहेविंग, मतलब आपका बिहेवियर एकदम से अजीबोगरीब हो जाएगा, यू डोंट बिकम ए नॉर्मल चाइल्ड। तो हमको इन सब चीजों से, इस एडिक्शन से ना केवल खुद बचना है बल्कि बच्चों को भी इस एडिक्शन से बचाना है। कोशिश करें कि मोबाइल से जितना दूर रह सके, जितना कम समय हम मोबाइल पे दे पाए, स्क्रीन टाइमिंग को सिर्फ उतनी देर यूज करें जितनी देर जरूरत हो, फोन को भी तभी यूज करें जब आपको टेलीफोन करने की जरूरत हो, किस बात करने की जरूरत हो, या सुबह उठ के आपने उठ के 1-2 घंटे आपने जो व्हाट्सएप वगैरह गुड मॉर्निंग वगैरह के करने मैसेज करके, मतलब शाम को देखेंगे, गुड नाइट के टाइम देखेंगे, तब देख लेंगे सबके मैसेज वगैरह, कहीं इसमें किसी ने कुछ भेजा तो नहीं, कहीं कोई चीज नहीं तो नहीं आ गई, बार बार उसको खोल के देखना, ये एडिक्शन है। और ये एडिक्शन हमारी आने वाली पीढ़ियों को परेशान करने वाला है, उनको तंग करने वाला है। मतलब मैंने तो जो इस पर रिसर्च पढ़ रहा था तो मैं खुद मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हाउ टू डील विद इट। और इसमें तो एक और बीमारी होती जा रही है कि हम चलते चलते या बैठे बैठे यूं सारा दिन यूं मोबाइल पे झुके हुए देखते जाते हैं, तो इसमें हमारी नेक की जो प्रॉब्लम हो रही है, स्पॉन्डिलाइटिस की शुरू हो रही है। आप साथ जाता देखेंगे लोग थोड़ी देर मोबाइल देखेंगे फिर पीछे घुमाने लगेंगे, थोड़ा दाएं बाएं करने लगेंगे। तो ये चीजें थोड़ी सी अब साइंस को सर्वेंट बना के रखिए, उसको मास्टर मत बनने दी। अगर कोई इन्वेंशन हुआ है वो आपकी मदद के लिए हुआ है। इसमें एक और चीज हमने देखी, हमने जो ये देखिए, मैं वही बोलता हूँ जो मैंने भोगा होता है या जो जिया होता है। किसी ने एक कॉल की, आपने नहीं उठाया, दूसरी कॉल की, आपने नहीं उठा पाए, हो सकता है आप बाथरूम में हो सकता है आप खाना खा रहे हो सकता है आप पूजा कर रहे हो, तो जिसने कॉल की वो इतना गुस्सा हो जाएगा, एंड व्हेन यू कॉल हिम बैक वो कहेगा अरे आपने मेरा फोन नहीं उठाया। तो मैंने को जब कोई इस तरीके से कह देता है ना, तो मैं तो उसको धीरे जब कुछ ज्यादा मतलब तरह से मतलब टॉन्टिंग वे में या कुछ कहेगी तुम तो मेरा फोन ही उठाते, तो मैं उसको धीरे से कहता था भैया मेरा फोन है ये मेरे अपने उपयोग के लिए है, आपके लिए नहीं है, मेरी जब सुविधा होगी तब मैं आपसे बात करूंगा, अब मेरी सुविधा नहीं है, मैं बाथरूम में हूँ, मैं टॉयलेट में फोन नहीं लेके जाता, मैं अगर पूजा कर रहा हूँ भगवान की जब तक पूजा कंप्लीट नहीं करूंगा मैं आपका फोन नहीं उठाऊंगा, लेकिन आई ऑलवेज कॉल यू बैक इन ए वेरी सिंपल वे, मैं इस तरह आराम से कह देता हूँ, मेरा फोन है मैं उसके पैसे देता हूँ, जरूरी है कि हम हर बार आपके फोन उठा ही लें,
अगर हम उस वक्त स्थिति में नहीं है तो नहीं उठाया। तो ये कई चीजें हैं जिनसे इंटरपर्सनल रिलेशन भी गड़बड़ाते हैं। तो इन चीजों को मान के चलिए और समझाते हुए चलिए लोगों को, तो लोगों को ये चीज समझ में आएगी कि मोबाइल किस लिए। ऐसे के लिए नहीं कोई इमरजेंसी में आपने किसी को फोन किया, वो आपकी इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार ही रहे, हमेशा बैठा ही रहे। तो वहां पर आपको भी समझना, अगर आपका फोन किसी ने नहीं उठाया तो हील कॉल बैक। तो ये सब चीजें मैं स्क्रीन टाइमिंग के लिए थोड़ा सा बताना चाह रहा था। तीसरी बात जो मैं आज कहना चाह रहा था वो थोड़े पेरेंट्स के लिए, मुझे आज दोबारा पता नहीं क्यों बहुत सुबह से मेरा मन था कि पेरेंट्स के लिए कुछ बात करूं। कि हम लोग जब बच्चा घर में पैदा होता है ना शादी के बाद, एक तो शादी के बाद वैसे आदमी की आजादी कहना चाहिए इन ए वेरी लाइटर मोड काफी कम हो जाती है, बिकॉज ही हैज टू कैरी विद द फैमिली, फैमिली बनना। लेकिन वो हमारा अपना निर्णय, वो हमारे अपना निर्णय लिया है। फिर अगर घर में उसके बाद परिवार को आगे बढ़ाने के लिए घर में एक बेबी होता है तो वो भी हमारा अपना निर्णय है। तो हमारा अपने, हम चाहते थे कि हमारा परिवार बने, हम हो, हमारी पत्नी हो, हमारे बच्चे, हमारा निर्णय है। हमने यहाँ पे अपनी आजादियां खोई। लेकिन एक बार घर में जब बच्चा आ जाता है तब फिर आपकी खुशी, आपके सुख, आपका घूमना फिरना उस बच्चे की खुशी के साथ नियंत्रित होता है। आप कोशिश करोगे हर उस काम को करो जो जिससे उस बच्चे को खुशी मिले। अगर बच्चे के एग्जाम है तो आप उस दौरान अपने बाहर की प्लानिंग नहीं बनाते, उसके स्कूल टाइमिंग के हिसाब से आपकी टाइमिंग शेड्यूल हो जाती है, उसके हिसाब से आपको सुबह उठना पड़ता है। अगर उसको 6 बजे की बस पकड़नी है तो आपको भी 5 बजे उठना, अब आप 8 बजे तक नहीं सो सकते। ऐसे ही अगर बच्चे को कुछ खरीदने के लिए पर्टिकुलर चीज चाहिए तो आपको उसी मार्केट में जाना पड़ेगा। आज चाहिए तो आज जाना पड़ेगा, अभी चाहिए तो अभी जाना पड़ेगा। आपके सुख दुख, घूमना फिरना, आपका खाना पीना जो बच्चे को पसंद है उस हिसाब से बनता है। तो ये एक परिवार के लिए त्याग होता है, पेरेंट्स का त्याग। अब वो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई अनोखा नहीं होता, सब करते हैं और सबको करना चाहिए, क्योंकि वो आपका ऑप्शन था कि आपको अपना परिवार बनाना था, आपको अपने बच्चे चाहिए थे। लेकिन उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद सब अपने अपने कामों में हो जाते हैं, लग गए सर्विस में, लग गया कोई कहीं, लग गया कोई कहीं, लग गया, उसके बाद उनको ये रियलाइज नहीं करना चाहिए था चाहिए कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या क्या त्याग किए। मैं उन बच्चों से बात करना चाहता था, तो भी कभी यूट्यूब में देखी कुछ भी, कि क्या आपके कर्तव्य नहीं बनते अपने पेरेंट्स के लिए, कि उन्होंने पूरा जीवन आपको बड़ा करने में लगा दिया और आप जब बड़े हो गए और आपको काम मिला, आप अच्छी जॉब में लग गए, क्या आपकी कुछ जिम्मेदारियां नहीं बनती अपने पेरेंट्स के लिए। परिवार को पालते पालते, बच्चों को बड़ा करते करते शरीर मुरझा जाता है, शरीर पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, सिर के बाल गायब हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, आंखों से दिखना कम हो जाता है। कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, आप बड़ा करते बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़े, अच्छी पढ़ाई दें, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, अच्छे खर्चे बर्दाश्त करना, फिर उनकी शादी ब्याह करना, रिश्तेदारियां करना, कितना जिम्मेदारियां हैं। और ये सब करते हैं, कोई अनोखा काम नहीं है, हर पेरेंट्स करते हैं। लेकिन हर बच्चों को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स से हमारे लिए क्या है क्या, और हाउ वी कैन रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकेट नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी। हम खाली इन चीजों को एक्नॉलेज तो कर लें, उनसे बात तो करें। बच्चे बड़े होते हैं, सब अपने आप में मस्त हो जाते हैं और उनको लगता है कि पेरेंट्स नाउ दे आर डिस्टर्बिंग अस, नॉट बिकमिंग ए हिंड्रेंस, हमारी आजादी में खलल डाल रहे हैं, हमारे आने जाने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, हमारे आने जाने पे उनकी नजर रहती है, हम कितने बजे आए, रात को अगर देर से आए, आपने पूछ लिया तो उनको बुरा लगता है, अरे अब मैं इतना बड़ा हो गया आपको क्या मतलब, आपने ऐसा क्यों किया। मैं तो ऐसे लोगों से कहूंगा कि आप अपने पेरेंट्स के पास बैठिए, बैठिए, आप उनको देखिए, आप उनके चेहरे की झुर्रियों में झांकिए, जब आप हुए तो उनके चेहरा क्या था और आज की तारीख में उन्होंने अपने जीवन का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ आपको बड़ा करने में लगा दिया, आपको अच्छा जीवन देने में लगा दिया, आपकी कोई कमी ना रहे, आपने किसी तरह की कोई ऐसी चीज ना हो जाए कि जो आप सोचे कि आपको चाहिए और आपको ना मिले। खुद के जूते नहीं वो लेंगे, लेकिन आपके लिए उन्होंने हर तरह की चीजें, नए जूते, नए यूनिफॉर्म, बच्चे को स्कूल में कहीं ये महसूस ना हो कि वो दूसरों से गरीब है या मेरे फादर से नहीं कर सकते, मेरे पेरेंट्स से नहीं कर सकते, उन्होंने कभी आपको महसूस नहीं होने दी।
आपके स्कूल की फीस हमेशा टाइम से भेजी, कहीं ऐसा ना आपको क्लास में खड़ा करके कह दिया जाए कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी फीस नहीं जमा की। इसके बाद क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आप अपने पिता को गले तो लगाएं, आप महसूस तो करें, आप उन गले लगाइए, एक बार महसूस करिए कि ये वही शख्स है जिसने अपना पूरी जवानी आपको बड़ा करने में और आपकी करियर बनाने में, आपको एक अच्छा इंसान बनाने में गुजार दी। आप उस आदमी को महसूस तो करिए, महसूस तो करना छोड़िए, आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और आप उसको हिंड्रेंस, आपको एक बेवजह आदमी लगता है कि एक बेवजह आदमी घर में बैठा हुआ है, ये हमको सिर्फ तंग करने के लिए, या फिर हम जब तक शादी नहीं होती तब तक खाना बनाने के लिए और ये हमारे पेरेंट करने के लिए, हमारी सेवा करने के लिए। अगर रिटायर्ड हो गया आदमी घर में बैठा हुआ है तो आपको लगता है ये तो अब तो खत्म हो गया, अब तो कमाता भी नहीं, हमारे किसी काम का नहीं रहा। आप उनको गले लगाइए, अपने पेरेंट्स को गले लगाइए, उनके शरीर को महसूस करिए, महसूस करिए उनके पसीने की उस गंध को, महसूस करिए उनके चेहरे की झुर्रियों को, उनकी आंखों को महसूस करिए जो बहुत कम देख पाती है, तब देखिए कि उन्होंने आपके लिए क्या किया। जब आप इस चीज को देखेंगे तभी आप में ग्रेटिट्यूड की, कृतज्ञता की भावना आएगी। और ये बच्चों को खुद ही करना पड़ेगा, हमें तो खाली उनको अच्छी पेरेंटिंग देनी है और हमको उनके काम के प्रति, उनके अच्छे कामों के लिए, उनकी अच्छी स्टडीज के लिए, उनके अच्छे रिजल्ट के लिए, उनके लिए के प्रति कृतज्ञ होना, बताते उनको जताते जाना है ताकि वो ये चीज हमसे सीखते चले जाए और लास्ट में पेरेंट्स को इस तरीके से डिस्कार्ड ना करें। ये कुछ पता नहीं क्यों मुझे आज कई दिन से ये चीज महसूस हो रही थी, एक ईगो पे बात करना चाहता था। ये ईगो ने हम लोगों के आपसी संबंधों को बहुत खराब कर दिया है और ये जो कोरोना के बाद, कोरोना के पहले पेरेंट्स के किस तरीके से लोगों ने इग्नोर करना शुरू किया, मे बी कि कुछ नौकरियों में परेशानी रही, कुछ घर में वर्क फ्रॉम होम की वजह से रही, ये इंटरपर्सनल रिलेशंस इस बीच बहुत अच्छे नहीं रहे, कुछ खराबियां आई हैं, कहीं कुछ जिद आई है, कहीं कोई भ्रांतियां आई हैं, कुछ आपस में गलत फहमियां हुई हैं लोगों में। उसके लिए मैं चाहता था कि मैं इस चीज को अच्छे से लोगों को बताऊं, कोशिश करूं। एक मैं जो कहना चाह रहा था कि आपको कुछ भी कहें, आप जो कुछ भी आज कह रहे हैं, ये ईगो से भी रिलेटेड है और पेरेंट्स से भी रिलेटेड है कि आज की तारीख में आप जो कुछ भी कह रहे हैं, किसी के बारे में भी कुछ कह रहे हैं, जब आप शब्दों को बोल देते हैं ना, वो एक तरीके का बीज होता है जो आपने रोपा है, उस बीज को रोपा है और उस बीज के रोपने के बाद उसका जो पौधा बनेगा वो तो फिर आपके सामने आएगा। आज नहीं आएगा तो आज से 5 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, पेड़ बन के आएगा। ये कर्म की गति है, छूटे नहीं छूटती। ऐसी जुबान से आपने अगर किसको शब्द भेदी बाण किए हैं, किसको आहत किया है, तो मान के चलिए बबूल का पेड़ ही आएगा, आपके अंतरात्मा को कांटे कांटे मिलेंगे। इसलिए जब भी कुछ बोलें, जब भी कुछ कहें, पहले तो कोशिश करें कि आप मौन रहें, जब तक बहुत जरूरत ना हो तब तक मत बोले। कुछ लोग की आदत होती है जबरदस्ती बोलते रहने, कुछ ना कुछ कहना, कुछ ना कुछ बोलते रहना। कोशिश करें मौन रहिए, क्योंकि मौन रहने से सामने वाले को भी ये नहीं पता होगा कि कहना क्या चाहता है, इसके मन में क्या चल रहा है। एक बार आपने कह दिया तो आपका व्यक्तित्व आपके शब्दों से आ गया। मैं पहले भी एक बार कह चुका था, शरीर से हमारे सिर्फ दुर्गंध दुर्गंध निकलती है, जहां से भी निकलती, जैसे भी निकलती है, सिर्फ शब्द ही हैं जिनसे हम दूसरों को खुश कर सकते, खुशबू दे सकते हैं। तो कोशिश करिए आपके जो शब्द निकले वो खुशबूदार निकले, लोगों के मन को प्रफुल्लित करने वाले निकले, खुश करने वाले निकले। जो कुछ भी कहें आप 10 बार सोचें कि हम ये कहने जा रहे हैं इसके बारे में, या इसके उस कहने, इसको समझाने के लिए कहने जा रहे हैं, या इसकी कुछ आलोचना करने जा रहे हैं, उसको 10 बार सोचिए, 10 बार, 20 बार सोचिए, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। जब आपको पूरी तरह विश्वास हो जाए कि ये आपके शब्दों को गलत अर्थ में नहीं लिया जाएगा, उसके बाद ही कहिए, क्योंकि वो आपने कहने के बाद साथ ही एक बीज रोपण कर दिया है और जिसके पेड़ बनने के बाद उसके फल आपको ही मिलेंगे। अगर आपने अच्छा बीज रोपण किया है, अच्छा फ्रूट बोया है, तो उसका सुख भी आप ही को मिलेगा, और अगर आपने गलत कोई बीज बो दिया है तो फिर कांटे बन के आपको ही परेशान करेंगे। और मौन रह के आप जितनी चीजों को अवॉइड कर सकते हो ना, बोल के नहीं कर सकते। स्माइल दीजिए, चुप रहिए, खामोश रहिए, जब तक बहुत जरूरत ना हो बोलने की क्या जरूरत है। कौन कहता है कि आप बोलते रहिए, कौन आपको हमेशा सुनना चाहता है।
ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बोले बिना कायनात खत्म हो जाएगी या यूनिवर्स नष्ट हो जाएगा या घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। चुप रह के देखिए, मौन रह के देखिए, जहाँ आवश्यकता है वहां पर बोलिए, अपने विचार प्रकट कीजिए। जब आप विचार प्रकट करते हैं दूसरे के बारे में कुछ कहते हैं तो फिर आपको आलोचना से भी घबराना नहीं चाहिए। अगर आपके बारे में कोई कुछ कहा है, किसी ने आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप मान के चलिए कि वो आदमी आपको सुधारना चाहे। मैं आज जो कुछ भी कह रहा हूँ, आज की मेरी जो भी उद्बोधन है, अगर इसके ऊपर बाद में मेरे ऊपर कोई कमेंट आता है, कमेंट आने का मतलब क्या हुआ, जिसने भी ये कमेंट किया है उसने मेरे को पूरा सुना है, उन्होंने मेरे एक एक शब्द को सुना है। शब्द सुना यानी कि वो मेरे शब्दों पे विश्वास रखता था, मेरे शब्दों पे विश्वास रखते उसने मेरे पूरे एक घंटे की बात को सुना है। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। और उसके बाद अगर उसने कोई कमेंट किया है या कोई बात कही हमारे कि आपने ये चीज या ये तथ्य गलत कहा या ये बात गलत कही, ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो उसको हमको वेरीफाई करना चाहिए क्या वाकई में हमने गलत कहा था। अगर गलत कहा था तो उसको सहर्ष स्वीकार करके उसमें सुधार करना चाहिए, उस आलोचना से उद्विग्न नहीं होना चाहिए या उस आलोचना से भागना नहीं चाहिए। अगर आपने कहीं कुछ लिखा है और उसके ऊपर कोई कमेंट आ रहा है, तो मान के चलिए जिसे कमेंट किया उसे कितने गहनता से, कितनी गहराई से आपकी बात को पढ़ा होगा और कितने विश्वास के साथ पढ़ा होगा। कितना लिखा जाता है, कितना बोला जाता है, यूट्यूब पे कितना कुछ अवेलेबल है, कौन सुनता है, कितने लोग पढ़ते हैं। अगर आपकी बात पे किसी ने कमेंट किया है, किसी ने आलोचना की है, समालोचना की है, तो आप उसको सहज स्वीकार करिए, उसका स्वागत करिए। ऐसा हमेशा होना चाहिए। मुझे लगता समय हो रहा है, 6:52 हो रहे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज मैंने अपनी बातों को बहुत मन से कहा है, क्योंकि मैं ये बातें मैं करना चाहता था आज। ये आज की जो मेरा उद्बोधन था सिर्फ उद्बोधन के लिए नहीं था, आज मेरा उद्बोधन मन की बात कहने के लिए था। और मैंने कोशिश की मैं अपनी बातों को बहुत मन से रखूं और वो जिसके पास भी जाए, जो भी सुने, उसके बड़े मन से सुने और इसको सोचने, उसको सोचे समझे और कोशिश करें कि इस पर अमल करें, शायद उससे उनका भला हो जाए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय एनके नाथ साहब। तो खैर चलिए, वास्तव में मैं जो आपने कहा ना नेहब साहब, कहना या उसने ये कहा उसने कहा, तो एकदम मेरे जहन में वही जो शायद 10th में या 12th में हमारी थी, वो उसने कहा था, कहानी थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, वो कहानी शुरू 25 साल के बाद उसमें जो, यदि आप लोग रिकलेक्ट करें तो उसमें उस बचपन में वो अपने नाना के यहाँ दो बच्चे आते हैं, उसने कहा कि तेरी शादी सगाई हो गई, उसने कही तुझे क्या मतलब या नहीं हुई। और 25 साल बाद जब वो दोबारा मिलते हैं तो वो सूबेदार नहीं होती है और ये एक लहना सिंह जो करेक्टर था वो एक सिपाही होता है। और वो कहती है कि मेरे पति और मेरे बच्चे का तो ध्यान रखियो। और जब आर्मी में फ्रंट लाइन पे वो उसके लड़के के ऊपर कोई दिक्कत आती है तो ये जो है लहना सिंह, ये उसकी जिंदगी बचाते हुए खुद को सामने कर देता है। और जब वो कहता है तूने ऐसा क्यों किया, तो तब वो कहता है कि अपनी माँ को बताइयो कि उसने जो कहा था मैंने उसको पूरा किया। तो एक बहुत फेमस कहानी थी उसने कहा था। और वास्तव में सारा जो जीवन चक्र है, कई बार तो उसने ये कहा तो क्यों किया कहा और ये नहीं क्यों नहीं कहा। कई बार ये भी हम अपेक्षा जो आपने कही ना अगला अपने जो एपिसोड के लिए आपने वो किया है, वास्तव में हम कर कुछ भी करने के बाद अपेक्षा जो कर लेते हैं, चाहे वो हम अपने परिजनों से करें, अपने मित्रों से करें, चाहे अपने बच्चों से करें, दुख का कारण कई बार तो केवल अपेक्षा ही है। और बाकी तो आपका उद्बोधन सदा की तरह बहुत ही सदाबहार रहा। और अब अगला आपका जो उद्बोधन आने वाला है उसके लिए हम फिर दोबारा से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। और आपका बहुत 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 आभार। और मैं अरविंद जी से कहूंगा कि आज का जो अपना उपदेश या आज का जो विचार है वो लेके आए और उसके आधार पर 3 बार ओम के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्री अरविंद शर्मा। धन्यवाद आदरणीय वकील जी, धन्यवाद आदरणीय नायब साहब कि आपने समय निकाल कर हमको समय दिया। अपने विचार से पहले एक विचार ये है कि अगर जीवन में हम स्वयं सेवक बने रहें, अगर जीवन हम स्वयं सेवक बने रहें तो काफी चीजों से बचा सकते हैं। चलिए आज का विचार है,
जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयां लड़ना नहीं। जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयां लड़ना नहीं बल्कि उनसे बचना है। जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयां लड़ना नहीं बल्कि उनसे बचना है। कुशलता पूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत है। Yes. कुशलता पूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत है, क्योंकि अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है। क्योंकि अभिमान की ताकत फरिश्तों को शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। आइए अब हम तीन बार ओम का उच्चारण करें, शांति पाठ करेंगे। सब लोग अपने आप को वीडियो ऑन कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। शांति शांतिरेव शांति।